शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से बहुत सुंदर हार है बेटा, बिल्कुल कीर्ति की पसंद का। तो आप इसके लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रहे थे? बेटा हमें भी बता देते, हम आपकी थोड़ी मदद कर देते इसमें। मम्मी आप देखिएगा, कल मैं कीर्ति का जन्मदिन इतने बेहतरीन तरीके से मनाऊंगा कि वो अपनी पुरानी सारी शिकायतें भूल जाएगी। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। श्रद्धा, मुझे कहीं से पता चला कि पायल सांभी को दूसरे शहर ले जाने की तैयारी में है। अभय, सानवी ठीक तो है ना? क्योंकि जिस तरह से पायल का बर्ताव था। सानवी ठीक है, तुम फिक्र मत करो, पर अब मोहित है ना उस पर नजर रखने के लिए। अभय कुछ भी करके कल शाम तक हमें सानवी को घर वापस लेकर आना ही होगा, वरना पायल सानवी को हमसे हमेशा के लिए कहीं दूर लेकर चली जाएगी। हाँ श्रद्धा, पर ऐसा ना हो कि हमारे लिए सानवी अपने पुराने गुस्से के साथ वापस आए। नहीं नहीं अभय, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि कल पायल को ऐसा धक्का लगेगा कि उसके बाद वो मेरी बच्ची को छूने की हिम्मत तक नहीं करेगी। बेटा बहुत प्यारी लग रही हो, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई है। हमारी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू मम्मी। बेटा आज तुम्हारी जिंदगी का इतना खास दिन है, तो क्यों ना तुम अपने घर लौटकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। आप हाँ ठीक है, हम जल्दी ही वापस चले जाएंगे, पर आज नहीं। चलिए हमें जाना है। हाँ अरे कहाँ चली? मम्मी बताया तो था, नौकरी पे जाना है। क्या नौकरी? कब से? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बात कर रहे वरुण जी, हमने तो आपको बताया था कि हमें नौकरी करनी है। हाँ कीर्ति, हमारी बात हुई थी कि तुम जल्दी नौकरी ढूंढने वाली हो, लेकिन तुम्हें नौकरी मिल गई है, खुशी की बात है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कीर्ति बेटा ऐसी बातें नहीं छिपाते, और खास तौर पर अपने पति से तो बिल्कुल भी नहीं बेटा। हाँ कीर्ति बेटा, इतनी बड़ी बात थी तो तुम्हें वरुण से पूछना चाहिए था। कैसे बातें कर रहे हैं आप पापा? अब क्या हर चीज वरुण जी से पूछ के करेंगे? हमारी जिंदगी पे हमारा कोई हक नहीं है क्या? रहने दीजिए पापा, ये बात कल भी हो सकती है, और आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज तुम्हें खुशी रहना चाहिए। हैप्पी बर्थडे कीर्ति। थैंक यू वरुण जी। और खुशियाँ अपनों के साथ मनानी चाहिए, इसलिए आज शाम को तुम्हें घर आना होगा। आओगी ना? हाँ ठीक है, चल हमें देर हो रही है, हम जा रहे हैं। अरे तो अब मैं ही तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, इस बहाने मैं भी देख लूंगा तुम्हारा ऑफिस का। नहीं नहीं वो कभी और वरुण जी, अभी हम बहुत लेट हो रहे हैं, प्लीज हम जा रहे हैं, चलिए बाय। पर ये तो बता दो ऑफिस कहाँ है और कंपनी का नाम। वरुण बेटा, कीर्ति की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। पापा जी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे इस बारे में बाद में कल कर लूंगा, लेकिन आज नहीं, आज उसका बर्थडे, आज उसका मूड खराब नहीं होना चाहिए। वैसे आज मैंने कीर्ति के लिए घर पे एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है, और आप दोनों को जरूर आना। हाँ बेटा हम जरूर आएंगे।
ये कीर्ति आखिर चाहते क्या है? अब अचानक से ये नई नौकरी और उससे जवाब पाने के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा, शाम के 5 ही बजे हैं। एक बार अंधेरा हो जाए तो घुसते हैं। बचाओ बचाओ, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। ये तो सानवी की आवाज है, और इंतजार नहीं कर सकते, चल। बचाओ बचाओ, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। बचाओ बचाओ, कोई है। ये पक्का पायल की चाल है, मोहित भाग इधर से। कौन है यार, रोको, कौन है, कौन है, कौन है? करने दो, कहीं केक खराब तो नहीं हुआ है? पिछली बार तो पूरा ही खराब हो गया था। ठीक है, एकदम परफेक्ट है पापा। वाओ ताऊ जी, ये तो ताई जी का फेवरेट केक है। अरे वरुण बेटा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है वो आ भी रही है या नहीं? हाँ वरुण, कीर्ति को बता दिया था ना कि शाम को उनको यहाँ आना है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिसके लिए हम जश्न मना रहे हैं वो अपने मायके से हिलना ही नहीं चाहती है। हो भी सकता है। पापा जी, मुझे कीर्ति दिखाई नहीं दे रही है, वो नहीं आई? कीर्ति अभी तक नहीं आई है, पर वो तो सीधा यही आने वाली थी ना? हाँ, तो हमारी बात तो हुई थी, सुबह मैंने बताया था उसे शाम के बारे में, आना तो चाहिए था उसे। अभी उसकी नौकरी के बारे में मम्मी और चाची को नहीं बता सकता, वरना सब और नाराज हो जाएंगे और कीर्ति के आने से पहले ही पार्टी खराब हो जाएगी। वो आती होगी, मैं एक बार फोन करके उसी से पूछ लेता हूँ कब आ रही। कीर्ति फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक तो बारिश भी होने वाली, अगर कहीं रास्ते में फंस गई तो। ये कमाल है, श्रद्धा आज अपनी बहन के जन्मदिन में आ नहीं है और अभय भी नहीं है, ये दोनों को क्या हो गया है? हम फोन लगा के उनसे पूछते हैं कि वो लोग हैं कहाँ। अबे क्या करें? देखो कहीं मदद मिलती है तो, देखो। हाँ मम्मी। ये अभय बेटा, ना तुम यहाँ हो ना श्रद्धा यहाँ है, अरे कीर्ति के जन्मदिन के लिए सब लोग आ गए हैं। अभय, इसमें जल्दी मदद के लिए बुलाना होगा, वरना हमारा बच्चा मुश्किल है और पायल सामने को लेके भाग जाएगी। उसने अपने घर में आग लगा दी, देखो। अरे ये तनुजा कहाँ चली गई? आरती बेटा, वो ऊपर है क्या? नहीं ताई जी, मैं तो अभी ऊपर से ही आ रही हूँ, पर मम्मी तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से जाकर देखती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो कीर्ति, मैं आज काम बहुत ज्यादा है दफ्तर में वरुण जी, हमें आने में देर हो जाएगी।
कोई बात नहीं, नई नौकरी में मेहनत ज़्यादा ही लगती है, वो नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं ऑफिस जाके उसे सरप्राइज देता हूँ, फिर उसकी थोड़ी मदद करके उसे यहीं ले आऊँगा। वरुण बेटा क्या हुआ? वो मम्मी, अब वो कीर्ति जो है ना, वो अपनी सहेली के घर पे है, तो बस मैं ही जाके उसे सहेली के घर से ले आता हूँ। अच्छा आप देखिएगा कि अभय, श्रद्धा और चाची तीनों यहीं पर हो, क्योंकि सब साथ में होंगे तभी तो सरप्राइज का मजा आएगा ना। तुम जाओ बेटा, यहाँ की चिंता मत कर, और वैसे भी जितना समय तुम उसके साथ अकेले बिताओगे उसे उतनी खुशी मिलेगी। मैं आता हूँ। खुशियाँ तो अब हम मनाएंगे जब वो अभय, श्रद्धा और उनका दोस्त जल के राख हो जाएंगे। बेटा हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। आप हमेशा घर पे अकेले बोर हो जाते हो ना, ये सब हम आपके लिए ही तो कर रहे हैं। जल्दी जल्दी चलो, सब लोग हमारे इंतजार कर रहे होंगे। अंधी हो क्या, देख के नहीं चल सकती? श्रद्धा तुम्हें क्या लगा, मैंने अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया? जिस दिन से मैं उसे तुम्हारे घर पे छोड़कर आई हूं ना, तब से 24 घंटे हर पल मेरी नजर तुम पर है। तुमसे हमेशा दो कदम आगे हूं मैं पायल। बेटा कीर्ति को मैं फोन कर देता हूँ। नहीं पापा जी, उसकी जरूरत नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही जाके उसे ऑफिस में सरप्राइज दूंगा। और मुझे ये भी जानना है कि उसका ऑफिस है कहाँ। बेटा उसका ऑफिस सिविल लाइंस में है। आप बताइए, मैं लिख लेता हूँ। सिविल लाइंस सी ब्लॉक ऑफिस नंबर 47। वरुण जी यहाँ कीर्ति की खुशियों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और ये कीर्ति, इसे अपने रिश्ते की कोई कदर ही नहीं है। नौकरी के साथ साथ अपना घर भी तो देखना चाहिए ना उसे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, उसे लेके आता हूँ। हाँ बेटा। हम तो बहुत घबराहट हो रही है, बस आज कोई तमाशा ना हो यहाँ। बस पायल, बहुत नाटक हो गया है तुम्हारा, बहुत धोखा दे लिया तुमने, बहुत झूठ बोल लिया है तुमने, पर अब बस। सांवी, सांवी, पायल छोड़ो। और आप भी दुनिया के बेस्ट बच्चे हो। ये कौन खाएगा? जब आरती हो रही होगी तो आप भगवान के चढ़ावे में से पैसा निकालोगे। अपने आंख और कान हमेशा खुले रखना बेटा, और बेटा मेरी पूरी परवरिश हमेशा याद रखो। मम्मी,
राज इंडस्ट्रीज। यस। इसे कीर्ति त्रिपाठी से मिलने के लिए आया। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया। कीर्ति जी, राज सर की नई सेक्रेटरी। सर वो तो एक घंटे पहले ही निकल गई सर के साथ। निकल गई? मतलब? वो आज कीर्ति जी का बर्थडे है ना, तो राज सर उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर गए। राज के घर पे? पर क्यों? आप अकेले यहाँ क्यों आए? देखो चोट आ गई ना आपको। अबे हमें इन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ेगा वरना घाव बढ़ जाएगा। और घर पे सबको बता देना कि यहाँ क्या हुआ है और पायल को रोकना बहुत जरूरी है। चलिए आराम से चलिए। सांवी मम्मा छोड़ो, सांवी को छोड़ो, सांवी छोड़ो, घर आइए, छोड़ो सांवी को, छोड़ो पायल, मेरी बच्चे को तुम मुझसे नहीं छीन सकती, छोड़ो। जाइए और जेल में बंद कर दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि अब ये उस कैद से कभी बाहर नहीं निकल पाए। ले जाइए इन्हें। ये खास तोहफा हमारे खास इंसान के लिए। हैप्पी बर्थडे। हाय वरुण। हाँ वो कीर्ति ने अभी बताया कि उसके बर्थडे के लिए तुमने अपने घर पे कुछ खास इंतजाम रखा है। हाँ हम वही बोल रहे थे राजी को कि घर पे सब हमारा वेट कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। कीर्ति चलो अभी के अभी घर चलो। ले जाइए अपनी बीवी को, हम कौन सा जबरदस्ती लाए हैं, है ना? माफ कीजिएगा वरुण जी, एक्चुअली कीर्ति को सरप्राइज देना था तो किसी को भी नहीं बताया। वरुण जी चलिए घर चलते हैं।
फिर भी टच किया। आपकी बात मानूंगी और पापा आप ही मेरी असली पापा हो। बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे तुम वहां गई क्यों ऐसे? मैंने भी यही बोला पापा, और ऊपर से हॉस्पिटल में भी नहीं रुके। अरे थोड़ी सी चोट है, हम ठीक हो जाएंगे। मम्मी जी अभय सही कह रहे हैं, अगर हॉस्पिटल में होते तो अच्छे से इलाज हो गया होता। अरे साफ साफ क्यों नहीं बोलती हो कि हम घर से ही निकल जाएं, ताकि उस मनहूस के लिए रास्ता साफ हो जाए घर में वापस आने के लिए। लो बताओ, भाभी को सर पर भी चोट लगी है ना, इसीलिए उनका ये हाल है। देखिए भाभी, अभय और श्रद्धा आपकी भलाई के लिए बोल रहे और आप है कि... मैंने इन्हें दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दे दिया है। रात में रिपोर्ट्स आने के बाद इनकी दवाइयों का कोर्स शुरू करेंगे। फिलहाल इन्हें आराम की जरूरत है। जी डॉक्टर, हम आपके बात का ध्यान रखेंगे। उनको अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो फिर ये पेन किलर्स खिला दीजिए। जी डॉक्टर, आइए मुझे। अरे हटो तुम, कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने का। मम्मी जी, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे तुम हमारा चैन तो ऐसे भी छीन ही लियो और जिद लगा के बैठ गई हो कि हमारी कोई बात नहीं मानोगी, तो फिर ये ढोंग करने की क्या जरूरत है? मम्मी की रिपोर्ट्स आ गई। डॉक्टर, रिपोर्ट नॉर्मल है ना? नहीं मिस्टर त्रिपाठी, इनकी रिपोर्ट्स में नर्व डैमेज साफ दिखाई दे रही है, चोट नसों में लगी है। अगर ध्यान नहीं दिया या कोई दुर्घटना हुई तो इनको पैरालिसिस मतलब लकवा भी मार सकता है। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।